अक्सर देखे ये ना, आपको इसमें दिख रहा होगा एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो उसकी लीच की मूवमेंट है कि वो ऊपर से ब्लड सक कर रही है और ये लेके जा रही है, देखिए नीचे तक आ रहा है, ये दिख रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जितनी भी लीचेस हैं, सभी लीचेस की ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको दिखेगी। जैसे इसकी हो रही है, दिख रही है इसमें, ये हल्के हल्के लेके जा रहा है नीचे नीचे नीचे, ये इस तरह से बढ़ती ही रहती है साइज इसका। ये खून को चूस के अपने अंदर कलेक्ट करते रहती हैं लीचेस, जैसे जैसे हो जाता है, जैसे यहाँ की लीच का काम कंप्लीट हो गया तो वो हट गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ब्लॉग होने वाला है हिजामा थेरेपी के ऊपर में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं अभी थेरेपी करा रहा हूँ, कब थेरेपी तो करा लिया, अब मैं करने वाला हूँ जॉग थेरेपी। अभी थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि मेरी डेंसिटी बढ़ रहे हैं, बट पता नहीं अब लंबे बाल होंगे तभी पता चलेगा। तो दोस्तों ब्लॉग को देखना लास्ट तक, कैसे हम जॉग थेरेपी कराते हैं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। मैंने कब थेरेपी तो कराया 4-5 बार, आपने ब्लॉग भी देखा होगा, अगर आप नहीं देखे होगे तो आप एड टू कार्ड में आप देख सकते हो कब थेरेपी का प्रोसेस कैसे होता है। आप करा भी सकते हो अगर आप परेशान हो, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है आपका या फिर बाल उड़ रहे हैं तो कर सकते हो, ट्राई करने में क्या जाता है दोस्तों। और ख़ास बात दोस्तों आज का होने वाला जॉग थेरेपी का, और जॉग कैसे रेंगते हैं यार, ऐसे ही मुझे डर लगने लगा है, बट मैं देखता हूँ फिर भी यार, क्योंकि बाल उड़ गए हैं और बहुत सारे और ग्रोथ कम है इसका, तो सोच रहा हूँ कि रिस्क ले लेता हूँ एक बार, और करने से यार फ़ायदा ही होता है कुछ ना कुछ करने से, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ रिजल्ट तो फिर लास्ट में हम कराएंगे ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, प्यार दीजिए दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम क्लिनिक पहुंच चुके हैं और कराने वाले लीच थेरेपी, जैसे आप देख सकते हो ये देखो ये लीच है, और सर पे लगाएंगे ना सर हम? जी सर के, सर पे लगाएंगे। देखिए ये लीचेस न्यू लीचेस होती हैं बिल्कुल, ओके देखो, और ये फ्रेश लीचेस मेडिसिनल लीचेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, और ये जिस जो लीचेस एक पेशेंट पे यूज़ होती हैं वो सिर्फ उसी पेशेंट पे यूज़ होती हैं। अच्छा। उसके अलावा किसी और पेशेंट पे यूज़ नहीं होती। इसको हम कैसे श्योर शॉट करते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे नंबर और नाम ये लिख देते हैं पेशेंट का हर एक बॉक्स पे। अगर ये अगर सर दोबारा आए और ये लीचेस ज़िंदा हुई तो यही लीचेस लगेंगी, और अगर नहीं आए तो न्यू लीचेस लगेंगी। और इन लीचेस का हम ऑयल बना देते हैं, ओरिजिनल लीच ऑयल भी हमारे यहाँ मिलता है। तो सर जैसे ये लीच इधर उधर घूम रहा है, तो जैसे कि हम यहाँ पे सर पे लगाते हैं तो इधर उधर सर बिल्कुल नहीं भटकेगा, यही हमारा इसमें एक्सपर्टाइज है। लीच जिस जगह हम लगाएंगे, हम चाहते हैं जहाँ लगे वो वहीं लगेगा। अच्छा। और ऐसा भी नहीं कि लीच को हमने अगर ऐसे ही छोड़ दें तो कहीं भी जहाँ उसे ब्लड मिलेगा वो वहीं पकड़ लेगा। हो सकता है किसी नस में लग जाए, कोई दिक्कत महसूस कर दे, नस का ब्लड रुके ही ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाना पड़ता है, और जहाँ हम चाहते हैं एग्जैक्ट पॉइंट उसी पर लगाना है, अगर उस पर नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, तो दोस्तों फिर देखते रहिए वीडियो को, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर कैसा फील कर रहे हैं? I'm so scared यार, कि भाई कैसा लग रहा है, काट रहा है या क्या, क्योंकि इस तरह भी पहले टाइम है ना। क्या चुभ रहा है या कुछ? हाँ हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कि चुभ रहा है, कुछ निकाल रहा है ऐसा ना। और वैसे भी जॉब का तो पता ही है, डर लगता है उससे। सर भी कह रहे थे कि ना मैं थोड़ा सा काटे हल्का स्टार्टिंग में। हाँ थोड़ा सा लग रहा है। मैं ऐसा लग रहा है ना कोई एक्सरसाइज कर रहा है, यानी गुदगुदी कर रहा है। ऐसा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली प्रोसेस तो पूरा स्टार्ट हो गया, ये देख सकते हो आप। पहले लग रहा था कि मुझे स्केयर फील होगा, बट अब नहीं लग रहा है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है कि सुई चुभ रहा है, बट अभी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि आपका मसाज कर रहा है ना सर? जी बिल्कुल। देखिए अब होता क्या है इसमें, जब ये लीच लगती है तो लीच लगने के बाद ना थोड़ी देर तक तो फील होता है कि यार कुछ चीज़ काट रही है, हल्का हल्का सा चुभन का सर। लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया है कि मेन जो इसका फ़ायदा है वो इसके सलाइवा में है, यानी इसके थूक में है। ये जब अंदर वहाँ पर ब्लड सक कर रही होती है तो वो अपना सलाइवा अंदर छोड़ रही होती है। उसके सलाइवा में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो उस जगह को सुन कर देते हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से ना कुछ पता चलता है कि कुछ लगा हुआ है, 10 मिनट बाद कुछ भी नहीं पता चलता लगने के। और वही सलाइवा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना मेडिसिनल लीचेज़ हैं, ये वो लीचेज़ नहीं हैं जो आपके नदी में या नाले में या तालाब में होती हैं, जो आपके जानवरों के आपने देखा होगा लग जाती हैं, भैंस वगैरह के, ये वो लीचेज़ नहीं होती हैं। ये फार्म की लीचेज़ होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसी वजह से, क्योंकि ये लीचेज़ फार्मिंग करके बनाई जाती हैं। इनको किसी का खून नहीं पिलाया जाता है, इनकी फीड होती है अलग से जो इनको दी जाती है।
तो ये जानना ज़रूरी है। कई बार माइंड में ये होता है यार इसकी लीच उसके तो नहीं लगा देंगे या ये किसी और का खून तो नहीं पिया हुआ, तो इसलिए मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। और ये एक तरह से पेनलेस थेरेपी है, इसमें कोई पेन नहीं होता किसी भी तरीके का, शायद आप पूछ भी पाएंगे। हाँ, कोई पेन नहीं है सर, एकदम से आराम सा ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई मसाज दे रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, रिलैक्स फील हो रहा है ऐसे, मन कर रहा है सो जाऊँ। जी बिल्कुल ऐसे ही लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। ठीक है, मतलब इसमें यह है कि थोड़ी देर बैठना पड़ता है, लगभग घंटा भर, सवा घंटा, डेढ़ घंटा, कुछ भी हो सकता है। हम मिनिमम एक घंटा बोल के चलते हैं जो लोग भी हेड पे कराते हैं। सर देखो ये ना आपको इसमें दिख रहा होगा एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो उसकी लीच की मूवमेंट है कि वो ऊपर से ब्लड सक कर रही है और ये लेके जा रही है, देखिए नीचे तक आ रहा है, ये 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 दिख रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो जितनी भी लीचेस हैं सभी लीचेस की ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको दिखेगी। जैसे इसकी हो रही है, दिख रही है इसमें, ये हल्के हल्के लेके जा रहा है नीचे नीचे नीचे, ये इस तरह से बढ़ती रहती है साइज इसका, ये खून को चूस के अपने अंदर कलेक्ट करते रहती हैं लीचेस। जैसे जैसे हो जाता है, जैसे यहाँ की लीच का काम कंप्लीट हो गया तो वो हट गई है, उसी तरीके से जैसे जैसे लीचेस का काम कंप्लीट होता जाएगा ये हटती जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि घंटे भर से लेकर डेढ़ घंटा कुछ भी लग सकता है, नॉर्मली हम 40 मिनट का प्रोसीजर होता है ये, लेकिन 40 मिनट के बाद कुछ भी हो सकता है, कई बार तो 20 मिनट में भी पूरा हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन डिपेंड करता है कहाँ पर कैसी ब्लड सर्कुलेशन, कितना ब्लड अवेलेबल है उसके लिए, गंदा ब्लड पीने के लिए। तो दोस्तों फाइनली सेशन कंप्लीट हो चुका है और रिलैक्स फील कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा है। देखते हैं ग्रोथ कैसा होता है, साथ में रिजल्ट कैसा होता है।